हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता। देखिए, पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो हमारे देश के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ही इस चीज पर बहुत फोकस करते हैं कि भारत जो है वो दूसरे देशों के ऊपर निर्भर ना रहे जब भी हमारे पास डिफेंस इक्विपमेंट की बात आए। तो इसी के चलते हमारे पास कई सारे इनिशिएटिव्स पिछले कुछ समय में देखने को भी मिले हैं। और ऐसा क्यों चाहते हैं? वैसे तो कई सारे रीजन है, देश का पैसा बचता है, अगर हम डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें तो देश को कई सारे फायदे होते हैं। लेकिन जैसा कि हाल ही के दिनों में एक एग्जांपल देखने को मिला कि यूएसए जो है वो हमारा एक सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है, रशिया हमारा एक बहुत बड़ा डिफेंस सप्लायर है। तो यूएसए ने इंडिया को एक मैसेज कन्वे करने के लिए क्या किया कि ऑनर कॉर्डन नाम की सेरेमनी जनरल बाजवा के लिए पेंटागन में ऑर्गेनाइज की गई। जनरल बाजवा जो पाकिस्तान की आर्मी के चीफ हैं, उसके लिए एक स्पेशल गार्ड ऑफ ऑनर सेरेमनी जिसको ऑनर कॉर्डन कहा जाता है वो ऑर्गेनाइज की गई। ऐसी सेरेमनी हमारे पास एस जयशंकर साहब के लिए भी कुछ दिनों पहले ऑर्गेनाइज की गई थी। खास बात यह है कि ऐसी सेरेमनी केवल फॉरेन मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर्स के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए नहीं की जाती। तो हमारे पास हमने ये देखा कि जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने सेरेमनी ऑर्गेनाइज की और कहीं ना कहीं भारत को मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई कि अगर आप लाइटली लेंगे तो यूएस जो है अपनी पॉलिसी को शिफ्ट करके पाकिस्तान के साथ चला जाएगा और वो इंडिया की किसी भी तरह से डिफेंस सेक्टर में आने वाले समय में हेल्प नहीं करेगा। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ, बात क्या करना चाहता हूँ, क्योंकि हो क्या रहा है, पिछले कुछ समय से हमारे पास जो यूएस है या रशिया है वो चाहता है कि अगर हम उनसे डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं तो हम उनकी हर हाँ में हाँ मिलाएं। तो अल्टीमेटली हमारी डिफेंस पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है जो बड़ी शक्तियां हैं उनके द्वारा, और इसमें हमारे पास डिफेंस इक्विपमेंट जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम यही सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास अगर हम बात करें, हमारा वीकली शेड्यूल कुछ इस प्रकार से चल रहा है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, जिसमें अलग अलग इनिशिएटिव्स ऑनगोइंग हैं और इन इनिशिएटिव्स के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलिए जी आगे बात करते हैं। हम नेक्स्ट अगर हम बात करें, द सुपर पावर एम्बिशन ऑफ ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिक्योरिटी चैलेंज इन इंडियाज नेबरहुड। अब सबसे पहली बात, इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर इतना पैसा खर्च करने की जरूरत ही क्या है? क्यों हम डिफेंस इक्विपमेंट्स पे इतना पैसा खर्च करते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी जो सेफ्टी है वो इंश्योर रहे, क्योंकि भारत के दोनों पड़ोसी मुल्क, आपको पता है ना कि एक पाकिस्तान और एक चाइना, दोनों ही भारत के लिए सरदर्द बने हुए हैं। चाइना की जो पॉलिसी है वो कुछ इस प्रकार से है कि चाइना अपने नेबरिंग कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है, उनके एरियाज को कब्जाने की कोशिश करता है ड्यू टू द एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट। अभी भी चाइना उस माइंडसेट को लेकर चल रहा है कि वो आसपास के देशों की जमीनों को हड़प ले, जैसा कि आप नेपाल में देखते होंगे, आपने हमारे पास कई बार साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हमारे पास ऐसी कुछ न्यूज सुनी होंगी जहां चाइना का कंफ्लिक्ट था वियतनाम के साथ और दूसरी कंट्रीज के साथ। तो चाइना का कुछ ऐसा माइंडसेट है और इसी वजह से डोकलाम में हमारे पास, और अगर हम बात करें जो लद्दाख वाला एरिया है, ठीक है, वहां पर भी हमें डिस्प्यूट्स कई बार चाइना के साथ देखने को मिलते हैं। और पाकिस्तान तो पता ही है, टेररिज्म को सपोर्ट करता है इंडिया में और कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो इस सब के चलते भारत को अपना जो नेबरहुड है उसको देखते हुए और अपने सुपर पावर एम्बिशन को देखते हुए सिक्योरिटी चैलेंज में भारत को चाहिए कि स्ट्रॉन्ग डिफेंस कैपेबिलिटीज हो, और इन स्ट्रॉन्ग डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए इंडिया कभी भी पूर्णतः दूसरी कंट्रीज के ऊपर निर्भर नहीं रह सकता। यानी कि अब समय आ चुका है कि भारत इस सब में आत्मनिर्भर बने। तो आत्मनिर्भर भारत का एक रोड मैप जो है वो गवर्नमेंट ने प्रिपेयर भी किया था, जिसमें 5 पिलर्स जो हैं जिनकी बात सरकार के द्वारा की गई थी, जिनको आप कोट कर सकते हो जब भी आप आंसर राइटिंग करें। तो इसमें इकोनॉमी के लिए क्वांटम जॉब्स नॉट इंक्रीमेंटल चेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करें, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम हो हमारा, डेमोग्राफी, ठीक है, लार्जेस्ट डेमोग्राफी है भारत की पॉपुलेशन, उसकी नीड्स को हम फुलफिल करें, डिमांड और यूटिलाइजेशन ऑफ पावर, डिमांड एंड सप्लाई को यूटिलाइज करें, बेसिकली जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करें। तो ये 5 पिलर जो है वो सरकार द्वारा निर्धारित किए गए थे ताकि भारत जो है वो आत्मनिर्भर बन सके, केवल डिफेंस के क्षेत्र में ही नहीं बाकी क्षेत्रों में भी। तो डिफेंस सेक्टर की हम मेनली बात कर रहे हैं, तो डिफेंस सेक्टर में पिछले कुछ दिनों में हमें क्या बड़ी चेंजेस, क्या बड़े बदलाव देखने को मिले हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो गवर्नमेंट चाहती थी कि भारत में बड़ी बड़ी डिफेंस की कंपनी जो आए हैं आए और अपने प्लांट्स एस्टेब्लिश करें। तो उसी के चलते गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो एफडीआई लिमिट, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट है, उसको बढ़ाकर 74% कर दिया है अंडर द ऑटोमेटिक रूट।
जो कि पहले केवल कितनी थी, पहले सिर्फ 49% थी, जिसको बढ़ाकर अब 74% आप देख सकते हैं कर दिया गया है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हमारे पास डिफेंस पॉलिसी 2020 के तहत, डिफेंस पॉलिसी 2020 के तहत हमारे पास एक लक्ष्य रखा है, जिसको पेपर में लेकर जिसमें सवाल पूछे जा सकते हैं। लक्ष्य क्या है? टू प्रोड्यूस 1.7 लाख करोड़ डिफेंस इक्विपमेंट्स और यू कैन से डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्शन बाय 2025, और इसमें 35,000 करोड़ के इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट करना शामिल है 2025 तक। डिफेंस सेक्टर में इंडिया क्या चाहता है कि वो लगभग 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करे, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखेंगे तो यू विल सी इंडिया विश्व में डिफेंस में सबसे बड़ा इंपोर्टर है। डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़े लेवल पर हमें हथियारों पर वैसा खर्च करना पड़ता है जो कि हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे नेबर जो हैं वो इस पॉलिसी पे चल रहे हैं कि हम खुद भी जिएंगे नहीं और आपको भी जीने नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है। अब अगर हम देखें तो हम क्या चाहते हैं कि हमें डिफेंस इंपोर्टर के तौर पर नहीं, डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर जाना जाए, ताकि हम जिन छोटे कंट्रीज को हम हथियार सप्लाई करें वो हमारे लिए काम करें। जैसा कि रशिया और यूएस हमें क्या करते हैं, हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि उनसे हमें बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने पड़ते हैं। तो इंडिया उस लेवल पर पहुंचना चाहता है कि इंडिया भी एटलीस्ट छोटे कंट्रीज को डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करे, उससे पैसा भी आएगा, जीडीपी भी ऊपर बढ़ेगी, और साथ ही जो भारत का एक रसूख है, एक दबदबा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, वो भी कायम होता दिखाई देगा। इसी के चलते आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में ब्रह्मोस मिसाइल जो है इंडिया ने सेल करने की बात की, जिसका 28,000 करोड़ का ऑर्डर था, और ये ऑर्डर किसने प्लेस किया था हमारे पास? फिलीपींस ने। तो ब्रह्मोस ऑल्दो एक जॉइंट वेंचर मिसाइल है जो इंडिया और रशिया ने मिलकर तैयार की है, आपको पता होगा, और ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक मतलब ध्वनि की रफ्तार से तेज मूव करती है, और भारत के पास इसका ट्रायड अवेलेबल है। ट्रायड अवेलेबल का मतलब इसका नेवल वेरिएंट भी अवेलेबल है, इसका एयरफोर्स वेरिएंट भी अवेलेबल है, इसका आर्मी वेरिएंट भी ब्रह्मोस मिसाइल का हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको एक नई तरह की गन प्रोवाइड की जाएगी, और इस गन का भारत से एक्सपोर्ट भी होगा। वो गन होगी AK-203। हमारे पास आपको बता दूं कि AK-203 जो गन होगी वो हमारे पास AK-47 का एक एडवांस वर्जन है, जिसके लिए एक जॉइंट हमारे पास वेंचर में फैक्ट्री लगाई जाएगी। फैक्ट्री कहां लगेगी? अमेठी में, ठीक है। ये क्लैशनिकोव राइफल्स को बनाया जाएगा, और हमारे पास अगर मैं बात करूं 70,000 राइफल्स ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी हैं, और आने वाले टाइम में कई लाख राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग यहां पर की जाएगी, जो ना केवल भारत के सोल्जर्स को राइफल सप्लाई करना इंश्योर करेगी, साथ ही इसका एक्सपोर्ट करने का भी हम कहीं ना कहीं लक्ष्य रखकर आगे बढ़ रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय में इंडिया ने डिफेंस सेक्टर में कई सारी इंप्रूवमेंट्स की हैं, और इन्हीं के चलते भारत इस चीज को लेकर बात कर रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे। अभी हालांकि उसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन हम एक उस पथ पर अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम डिफेंस कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। आपको मैं यहां पर बता दूं कि इसी कड़ी में हमारे पास अभी हाल ही के दिनों में एक हेलीकॉप्टर भारत में शामिल किया गया है इंडियन आर्मी में, और एयरफोर्स के लिए हमारे पास इंट्रोड्यूस करने की बात हुई थी, और फिर उसको फाइनली शामिल कर लिया गया है। दैट इज LCH, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड। तो प्रचंड के नाम से एक हेलीकॉप्टर है हमारे पास, जिसकी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, क्योंकि इसका वजन जो है वो 5.5 टन के आसपास है। इसको मैं कंपेयर करूं अगर जैसे हमारे भारत में इस समय सबसे बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर कौन सा है, हेलीकॉप्टर के देखिए मल्टीपर्पज रोल होते हैं, जैसे कोई बाढ़ या आपदा आ गई तो वहां से लोगों को निकालना, अगर हमारे जो सोल्जर जो बिल्कुल हिल टॉप पे बैठे हैं उनको खाने पीना राशन का सामान पहुंचाना, वो भी हेलीकॉप्टर्स के द्वारा होता है। सोल्जर्स को वहां तक पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन का काम करना, वो भी हेलीकॉप्टर के द्वारा होता है, और भी कई सारे काम हेलीकॉप्टर्स के द्वारा होते हैं। लेकिन कुछ हेलीकॉप्टर होते हैं जो अटैक हेलीकॉप्टर होते हैं, तो भारत का इस समय सब जो बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर है वो कौन सा है? अगर मैं बात करूं भारत का इस समय जो बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर है वो है हमारे पास अपाचे। ये हेलीकॉप्टर भारत ने यूएसए से खरीदा है। अगर इसके वेट का और मैं प्रचंड के वेट का कंपैरिजन करूं, तो जो प्रचंड का वेट है, प्रचंड का मतलब होता है फियर्स फुल, ठीक है। तो प्रचंड का जो वेट है वो 5.5 टन है, और अपाचे का जो वेट है लगभग 10 टन है। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हाफ वेट है प्रचंड का जब मैं अपाचे से कंपेरिजन करता हूं। अपाची को इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी यूज कर रही है, इंडियन एयरफोर्स में ही ऑलरेडी शामिल है। ये यूएसए से खरीदा गया एक अटैक हेलीकॉप्टर है। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंडिया के जो टॉप 3 डिफेंस सप्लायर हैं, जो सबसे बड़े लेवल पर भारत को हथियार बेचते हैं, उसमें रशिया, यूएस और इसराइल, ये टॉप 3 कंट्रीज हमारे पास शामिल है। तो यानी कि इंडिया इसराइल से भी हथियार खरीद रहा है, रशिया से भी, यूएस से भी।
अब दिक्कत क्या आती है कि जब हमारे पास ये रशिया यूक्रेन वॉर हुई तो यूएसए ने इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि यू हैव टू चूज आइदर वन साइड, या तो आप रशिया को चुनिए या हमें चुनिए। अगर आप हमें चुनते हो तो आप रशिया के साथ किसी भी प्रकार की कोई डील नहीं करेंगे, अगर आप रशिया को चुनते हो तो हमारी तरफ से आपको कोई डिफेंस इक्विपमेंट में हेल्प नहीं दी जाएगी। यानी कि भारत के लिए एक सरदर्दी भी बन जाएगा अगर मान लीजिए अपैचे, चिनूक और भी कई तरह के डिफेंस इक्विपमेंट हमने जो यूएसए से खरीदे हैं उनके स्पेयर पार्ट्स और उनको ठीक करने के लिए हमारे पास कोई इक्विपमेंट्स या कोई स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे जो भारत के लिए एक सरदर्द बन जाएगा। तो इसी से सबक हम अगर ले तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो इक्विपमेंट बनाने चाहिए वो अपने हिसाब से बनाने चाहिए और इनमें जो डिपेंडेंसी है फॉरेन कंट्रीज के ऊपर वो मिनिमम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो हमारे पास हेलीकॉप्टर बनाया गया है ये हाई एल्टीट्यूड बैटलफील्ड के लिए बनाया गया है, कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग एनिमीज एयर डिफेंस एंगेजिंग इन इंसर्जेंसी ऑपरेशन। इंसर्जेंसी का मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर किसी प्रकार का कोई भी इंसर्जेंसी, लोग भड़क गए हैं, कोई दंगा फसाद हो गया, उसको भी हैंडल करने में ही हमारी हेल्प कर सकता है। इसको बनाया किसने है, इसकी जो फाइनल इसको बनाने का काम किसने किया है, एचएएल ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। सवाल ये उठता है कि इसके बारे में काम शुरू कब हुआ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो बोलते हैं ना कि कई बार कुछ बुरी चीजें भी अपने साथ कुछ अच्छी चीजें लेकर आती हैं और हमें अपनी गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। जब 1999 की कारगिल वॉर हुई तो हमारे पास कोई ऐसा हेलीकॉप्टर नहीं था जिसको हम यूटिलाइज कर सके कारगिल वॉर में दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए या परेशान करने के लिए। लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, कारगिल वॉर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन सफेद सागर। जी हाँ, कारगिल वॉर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने एक ऑपरेशन चलाया ऑपरेशन सफेद सागर। इस ऑपरेशन के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने MI-17 हेलीकॉप्टर्स का यूज किया जो रशियन मेड हेलीकॉप्टर्स थे। खास बात यह थी कि ये रशिया की कंडीशंस के अकॉर्डिंग बने थे। अब देखो, रशिया ने जो हेलीकॉप्टर बनाए वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग बनाए, जैसे मान लो जो फॉरेन में जो गाड़ी बनती है वो उनकी नीड के अकॉर्डिंग बनती है, इंडिया में जो गाड़ी बनेगी वो इंडियन नीड के अकॉर्डिंग बनेगी। इंडिया में मारुति सुजुकी इतना सक्सेसफुल क्यों हो पाई, क्योंकि उसने इंडियंस की नीड को समझा, उसके अकॉर्डिंग गाड़ी बनाई। अब जाकर फॉरेन कंपनियां समझ पाई हैं कि अगर इंडिया में गाड़ी बेचते हैं तो इंडियन नीड्स के अकॉर्डिंग गाड़ी बनानी पड़ेगी। भारत में ऐसे इलाके भी हैं जहां टेम्परेचर -20-10 डिग्री तक चला जाता है, और राजस्थान जैसे एरिया भी हैं जहां 50 डिग्री टेम्परेचर भी जाता है। तो आपको इस वाइड रेंज में चल सकने वाले व्हीकल्स बनाना कोई आसान काम नहीं होगा, जिसमें हमारे पास और भी इंडियंस की जो डिमांड, इंडियन डिमांडिंग बहुत ज्यादा है ना, तो उन सबको डिमांड को फुलफिल करना। तो पहली बात तो ये थी कि जो MI-17 हेलीकॉप्टर थे वो अटैक हेलीकॉप्टर्स नहीं थे। दूसरी बात, ये हाई एल्टीट्यूड पे नहीं उड़ सकते थे, वो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते थे। और तीसरी बात, पाकिस्तान की जो मिसाइल्स थी, जिनको वो पोर्टेबल मिसाइल्स बोलते हैं, जिनको शोल्डर पर रख के टारगेट लॉक कर सकते थे, उससे इनको बहुत बड़ा खतरा था। तो इन सब चीजों के चलते हमारे पास कारगिल वॉर में हमें महसूस हुआ कि हमारे पास कोई ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है जो इतनी ऊंचाई पर उड़ान भर सके। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, ऑपरेशन 2006 में ये हमारे पास प्रोजेक्ट शुरू किया गया, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाने की बात जो है वो की गई। सो एचएएल ने हमारे पास जो रोटरी विंग रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर है उसने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, और यहाँ पर आप देखिएगा कि उसने ऑलरेडी एक हेलीकॉप्टर बनाया हुआ है। आपको यहाँ पर एक और चीज पता होनी चाहिए, एचएएल ने एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बनाया हुआ था जिसका नाम था ध्रुवा। अब ये देखो, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, इसके अंदर हथियार नहीं लगाए गए थे। जब इसके अंदर हथियार लगा दिए गए, ध्रुव हेलीकॉप्टर जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर था, जब इसके अंदर हथियार लगाए गए तो इसका नाम पड़ गया ALH रुद्र, यानी ये रुद्र नाम से आप कह सकते हो कन्वर्ट हो गया, ये रुद्र नाम से हमारे पास को जाना गया। तो ध्रुव हेलीकॉप्टर का जो वेपनाइज्ड वर्जन है उसको हमारे पास रुद्र हेलीकॉप्टर के नाम से जाना गया, जिसको HAL ने बनाया था। तो आप कह सकते हैं कि जब HAL ने ध्रुव को बनाया तो उसका आगे चलकर हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने इस्तेमाल किया, तो ऑब्वियसली कई सारी कमियों के बारे में पता चला होगा कि इस हेलीकॉप्टर में क्या क्या कमियां हैं, क्या कहाँ कहाँ हम जो है दिक्कत फेस कर रहे हैं। तो इन कमियों को ध्यान में रखते हुए कि फ्यूचर में कमियां ना हो, एक नया हेलीकॉप्टर तैयार किया गया जिसका नाम था हमारे पास, हाँ जी, प्रचंड, ठीक है हमारे पास। लेकिन ये जो प्रचंड है, जैसा कि मैंने बताया कि एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, कॉम्बैट का मतलब जो हमारे पास कई सारे वॉरफेयर सिस्टम टैक्टिक्स के साथ लैस है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मिसाइल कैरी कर सकता है, लगातार फायरिंग कर सकता है। और हमारे पास, आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो हीट सीकिंग मिसाइल्स होती हैं,
एक्चुअली MI-17 हीट सीकिंग मिसाइल से नहीं बच सकता था। हीट सीकिंग मिसाइल क्या होती है कि जो मिसाइल छोड़ी जाती है वो हीट को फॉलो करती है, इंजन गर्म होता है तो वो हीट को फॉलो करते हुए इंजन को हिट कर देती है। ये क्या करता है, ये फ्लेयर छोड़ता है, हीट फ्लेयर्स छोड़ता है। ये हमारे पास मिसाइल्स को कंफ्यूज भी कर सकता है। हीट सीकिंग मिसाइल को कंफ्यूज करने के लिए इसके अंदर कैपेसिटी इंट्रोड्यूस की गई है। लेकिन हमारे पास, आपको मैं ये बता दूं कि अगर हम यहां पर बात करें, सबसे खास बात क्या है प्रचंड हेलीकॉप्टर की, सबसे खास बात क्या है? प्रचंड की खास बात यह है कि ये इंडियन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए और भारतीय सेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये बात कही है HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CB अनंत कृष्णन ने, जिन्होंने कहा है कि ये वर्ल्ड का इकलौता ऐसा हेलीकॉप्टर है जो 5,000 मीटर, हाँ जी, फ्लाई कर सकता है, 5,000 मीटर के एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर सकता है और अटैक कर सकता है। यानी कि, हाँ जी, आप समझ गए होंगे कि ये हेलीकॉप्टर भारत का इकलौता ऐसा हेलीकॉप्टर है जो सियाचिन ग्लेशियर में भी भारतीय सेना की मदद कर सकता है, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है। सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है और ये हमारे पास जो है अटैक हेलीकॉप्टर वहां पर भी हिट कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि 5 टन लगभग इसका वजन है, 5.8 टन, ठीक है, और 21,500 फीट एल्टीट्यूड फ्लाइंग रेंज है इसकी, और रॉकेट अमंग इट्स वेपन 4 हेलीकॉप्टर फर्स्ट फ्लीट में है, और 95 ऐसे हेलीकॉप्टर्स को एक्वायर करने का प्लान गवर्नमेंट ने रखा है। अब इसमें एक कमी क्या रह गई? देखो, अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि एक हेलीकॉप्टर में सबसे क्रूशियल चीज क्या होती है, उसका इंजन। अब आपको ये पता होना चाहिए, इस हेलीकॉप्टर का जो इंजन है वो फ्रेंच कंपनी द्वारा बनाया गया है और इसको शक्ति इंजन कहा गया है इंडिया में। इस शक्ति इंजन के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं स्टूडेंट्स कि इसमें एक मिसाइल इंट्रोड्यूस की गई है जो प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, वो है मिस्ट्रल 2। मिस्ट्रल 2 जब हमने रफेल फाइटर प्लेन खरीदा था तो उसके साथ भी हमने, हाँ जी, मिसाइल इंटीग्रेट करके खरीदी थी और उस मिसाइल को लेकर पेपर में सवाल पूछा गया था। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि मिस्ट्रल 2 एयर टू एयर मिसाइल है जो हमने फ्रांस से ही खरीदी है, और इस हेलीकॉप्टर में जो इंजन लगा है वो भी फ्रांस का बना हुआ इंजन है। तो ये मिस्ट्रल 2 एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल है, इसको शोरेड आप कह सकते हो, जिसको बनाने का काम एक फ्रांस की कंपनी MBDA फ्रांस ने किया है। जो ये हेलीकॉप्टर है उसमें हमारे पास 45% घरेलू सामान जो है लगा है, 55% जो पुर्जे हैं और सामान है वो बाहर से आया है, इंक्लूडिंग द इंजन। अब सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट को आगे क्या करना चाहिए। नो डाउट कि ये इंडियन नीड्स के अकॉर्डिंग बना एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, और हम उम्मीद करेंगे कि अपनी जो जरूरतें हैं, मतलब जो हमारी इंडियन आर्मी की जरूरतें हैं, उन पे ये खरा उतर उनको पूरा कर पाए। लेकिन अब कोशिश क्या करना चाहिए कि 100% इंडिजीनियस नेशन की तरफ हम आगे बढ़ सके, एटलीस्ट 80-90% पार्ट्स को हम खुद ही बनाए। 100% तो करना थोड़ा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन एटलीस्ट 80% तो कम से कम जो भी हेलीकॉप्टर या जो भी एविएशन सेक्टर में हम काम करें, फाइटर एयरक्राफ्ट बनाए, एटलीस्ट वो भारत में बने, स्पेशली द इंजन, जो चाइना कर पा रहा है अभी भारत उसमें लैग कर रहा है। तो एविएशन सेक्टर में देखिए, फ्यूचर में जो लड़ाइयां लड़ी जाएंगी आपको ये पता होना चाहिए, उसमें एयरफोर्स का सबसे महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है, स्पेशली ड्रोन्स का और इस तरह के हेलीकॉप्टर्स और फाइटर एयरक्राफ्ट का। आज की डेट में आर्मी जो है वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती जितनी एयरफोर्स रखती है, ये हम सब जानते हैं। तो फ्यूचर में हमें अगर और इम्प्रूवमेंट करनी है तो हमें इंजन के ऊपर और बाकी चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है। हमें HAL जैसी संस्थाएं जो हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझना पड़ेगा कि वो कौन कौन सी तरह की प्रॉब्लम्स ऐसी एजेंसियां फेस करती हैं, वो क्यों अपने लेवल पर इंजन डेवलप नहीं कर पाती, क्यों मेजोरिटी ऑफ द पार्ट्स हमें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। पहले हमें उन प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा, फिर उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की जरूरत है भारत को, ताकि भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर प्रॉपर बन सके। तो मैं अगर ये कहूं कि डिफेंस सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इज क्रूशियल कंपोनेंट इन द इफेक्टिव डिफेंस कैपेबिलिटी एंड टू मेंटेन द नेशनल सॉवरेंटी एंड अचीव मिलिट्री सुपेरियरिटी, ये बहुत जरूरी है। और अल्टीमेटली अगर हम डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं तो ये भारत जैसे देश जहां जॉब कितनी किल्लत है वहां पर हजारों लाखों लोगों को जॉब तो प्रोवाइड होगी ही होगी, साथ ही देश की GDP भी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का लेक्चर। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे कई फ्री और पेड इनिशिएटिव्स ऑनगोइंग हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। तो ये था आज का वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।